फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ये जो साड़ी है तो घर पे मशीन पे पीको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये साड़ी ली है। पहले हम साड़ी की बॉर्डर जो है वो निकालते हैं। यहाँ पे पहले हमें साड़ी की जो किनारी है यहाँ हमें जो पीको करनी है वो लेनी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे पहले सीधा इसे कट करना पड़ता है। जैसे किनारी को थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो इसे पहले हमें सीधा सीधा कट करना है। जब हम पिको करेंगे तो ये किनारी जो है वो एक जैसी चाहिए। इस तरह से ये किनारी जो है इसे हमने सीधा कट किया है। अब मशीन पे इसको कैसे पिको करते हैं ये देखते हैं। अभी यहाँ पे हम जो पिको करने के लिए ये जो दाब चेंज करेंगे तो ये मशीन के साथ ही मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ये दाब पहले चेंज करते हैं, ये सिलाई का जो दाब है उसको निकालेंगे और यहाँ पे हम ये पिको का जो पिको करने के लिए ये दाब को हम इस तरह से इसको बिठाते हैं, इस तरह से ये जो पिको का दाब हमने लगाया है। अब यहाँ पे ये जो बटन है इसे एफ पे रखना है, जैसे इसको चेंज करना है आपको और यहाँ पे आपको एफ पे रखना है। ये जो है सेंटर यहाँ पे हमें इसे यहाँ रखते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये किनारी हमें किनारी को थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसके यहाँ पे रखते हैं और ये जो है ये थोड़ा सा ऐसा मशीन में इस तरह से लेके हम पिको करेंगे। ये इस तरह से हमारा ये पीको आता है। दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा खींचना है। जैसे ऊपर के साइड में थोड़ा खींचेंगे और ये जो है यहाँ पे हम इसको सिर्फ इस साइड से थोड़ा सा पकड़ना है ऐसे फोल्ड करके। ऐसे हमें पीको दोनों साइड में हमें ये पीको करनी है।